क्या दादा, 2024 लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और गिरिडीह से दिग्गज दिग्गज नेता आ रहे हैं, चंद्र प्रकाश आ रहे हैं और जयराम भी आ रहे हैं, किनको आप ला रहे हैं गिरिडीह से? हम तो गिरिडीह से जयराम महतो को लाना चाहेंगे। जयराम महतो को क्यों? क्योंकि क्योंकि वो युवा नेता हैं और जागरूक करते हैं जनता के प्रति और बढ़िया ढंग से काम करने के लिए वो एग्री है। और जैसे हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो हैं, और जितने की आज चार साल बीत चुका है, जो कि आज तक हम लोग को दिखाई दोबारा नहीं करेगा, उसी को हम वोट देंगे जो विकास करेगा उन्हीं को। जी, लेकिन मेरे नजरे में अभी हम जयराम महतो को ही देंगे, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन हम प्रा सपोर्ट के साथ हम जयराम महतो को ही वोट देंगे। आप सबको बोलेंगे जयराम महतो को ही दे। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं सफर सच। और अभी हम गिरिडीह लोकसभा में दौड़ा कर रहे हैं और तारावाली में है मौजूद। चलिए पूछते हैं थोड़ा इनसे, क्या कितना कमा लेते हैं ये सब करके आप? किसी तरह मजदूरी अपना निकालते हैं, इससे आपका घर का पूरा चल जाता है। परेशानी होता है, चलाने तो पड़ता है, कोई दाल भात खाता है, कोई सब्जी भात खाता है, बात तो करनी पड़ेगा इसी में। तो अभी लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी को जानते हैं? नहीं जानते तो नहीं है। जयराम को? जयराम को नहीं जानते, किनको जानते हैं? देखिए, सबसे तकलीफ जनता का ही बात है कि बैंक में कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखते किसी तरह, तो कोऑपरेटिव बैंक वाला पैसा हड़प कर दिया। सहारा में पैसा रखा, गरीब जनता कोई लड़की का शादी करने के लिए रखा, वो पैसा नहीं मिला। सबसे तो बड़ा तकलीफ का बात पहले ये है, कोई भी रहे, मुखिया रहे, विधानसभा रहे, कोई भी रहे, सब जनता को तो तकलीफ है कि सहारा में कहते डूबेगा नहीं पैसा, मिलेगा। कोई लड़की का शादी करने के लिए रखा है, कोई किसी तरह अपना एक कुटिया बनाने के लिए रखा है, तो पैसा नहीं मिला सहारा में, इस तरह हड़प हो गया। अगर वो चोर बैंक था तो क्यों नहीं उसको पकड़ा, क्यों नहीं पहले उसको सीज किया, क्यों नहीं चलाने दिया? क्या गलत बोल रहे हैं? कोऑपरेटिव बैंक में मैंने भी पैसा रखा हूँ किसी तरह, इस तरह से करके जो गादी श्रीरामपुर का मैनेजर सा है वो कहता है कि मेरा धान का पैसा खत्म हो गया, पैसा दे ही नहीं रहा है, तो बोलिए जनता किस बैंक में किस तरह से करेगा, इसको क्यों कार्रवाई करेगा? आप कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क किए? हाँ, कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क किए हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, बोलता है कि अब बरसात देंगे, सरकार हमको धान ले लिया, अब हमको पैसा नहीं दे रहा है, यही समस्या है गरीबों के साथ में। चलिए इनसे भी पूछते हैं, क्या दादा 2000 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किनको ला रहे हैं? जेबी केकस को कि चंद्र प्रकाश को? तब उसको तो हम तो देखो नहीं जानते हैं, लेकिन झारखंड और मोदी को हम नहीं जानते हैं। वही अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब वो हमने बोले दो को यही जानते हैं, एगो झारखंड, एगो तीर धनुष, एगो बीजेपी, हम लोग इसी को नहीं जानते हैं अभी से झारखंड सरकार। और इन लोग से पूछते हैं, क्या दादा 2024 में किनको ला रहे हैं गिरिडीह से लोकसभा से? गिरिडीह लोकसभा से हम, इधर हो जाइए, गिरिडीह लोकसभा से हम जयराम को, हाँ जयराम महतो को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो युवा नेता हैं और जागरूक करते हैं जनता के प्रति और बढ़िया ढंग से काम करने के लिए वो एग्री हैं। और जैसे हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो हैं, और जितने की आज चार साल बीत चुका है, जो कि आज तक हम लोग को दिखाई दोबारा नहीं पड़ा है, और हमारे क्षेत्र में आने का भी काम नहीं करते, वो सिर्फ इलेक्शन के समय आते हैं और वोट लेके वो चले जाते हैं, आराम से अपना मायस्ती में रहते हैं। यानी कि आपका कहना है कि जो विकास करेगा उन्हीं को हम वोट देंगे? हाँ, क्या जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे, अन्यथा जो वोट लेके सो जाएगा हम लोग भी उसको सो जाएंगे, उसको हम लोग भी नहीं जानेंगे, सीधा बात। तो क्या जयराम को ही लाना है? हाँ, हम लोग को सोच बना है कि जयराम को लाना ही है, क्योंकि युवा नेता है और बहुत मस्त नेता है, जनता के प्रति वो लड़ते हैं। जितना नेता है वो सब खतरी पे इलेक्शन में आते हैं वोट लेने के लिए और फिर पीछे वापस चले जाते हैं। चलिए थोड़ा इनसे भी भैया से बात करते हैं, क्या दादा 2024 लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और गिरिडीह से दिग्गज दिग्गज नेता आ रहे हैं, चंद्र प्रकाश आ रहे हैं और जयराम भी आ रहे हैं, किनको आप ला रहे हैं गिरिडीह से? हम तो गिरिडीह से जयराम महतो को लाना चाहेंगे। जयराम महतो को क्यों? क्योंकि वो युवा के लिए और झारखंड के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन दूसरा कोई नेता वैसे कोई सोचता नहीं है। अभी तो कोई नेता जितना उसका भाषण है, अभी कोई नेता उतना भाषण नहीं दे सकता जितना उसके मामले में, और जो बोलता है वो सही बोलता है, तो इसीलिए परिवर्तन चाहिए तो नया नेता चाहिए। जीवन में परिवर्तन ही बहुत जरूरी है और नेता में परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए हम लोकसभा के लिए जयराम महतो को ही चुनेंगे। चंद्र प्रकाश को क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? चंद्र प्रकाश चौधरी को देखिए काम उतना करता नहीं है, वोटिंग में आएगा, वोट देना है, उसके बाद ख़त्म। अब विकास देखिए, रोड को देखिए, थोड़ा दिखाइए, रोड भी देखिए, रोड भी नहीं बना हुआ, कितना साल से बना नहीं है, और उधर नदी हम लोग का तकलीफ होता आने जाने में, अभी तक बना नहीं है, बनते रह जाता है लेकिन बनता नहीं है, पूरा नहीं हुआ, इसके लिए आने जाने के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होती है, घूर के हम लोग जाना पड़ता है। यानी कि आपका कहना कि 2024 लोकसभा में जयराम ही आएगा, तो जयराम ही आएगा? जी, जयराम ही आएगा, हर घर जयराम। हम सबको बताएंगे कि जयराम महतो बहुत अच्छा नेता है, और प्रोत्साहित करेंगे सबको भी कि जयराम महतो को ही वोट देना। का एक दूसरा कोई नेता आता है
वोट मांगता है और चला जाता है, भूल जाता है कि कौन कौन गांव है, कौन कौन क्या है, वो सब भूल जाता है। लेकिन जयराम महतो है कि नया नेता है, नया चेहरा है, सब समझता है, समझदार भी हैं, तो हम उसी को देना चाहेंगे और सबको बोलेंगे कि जयराम महतो होकर दें, चंद्र प्रकाश को नहीं। चंद्र प्रकाश को नहीं, क्योंकि वो विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं रोड भी अभी तक बना नहीं है और नदी भी कुछ में कुछ हुआ नहीं है, इधर ना पुल है ना कुछ की है, व्यवस्था नहीं है। और यहाँ मेन समस्या यहाँ के तारावली का पानी का, पानी का बहुत समस्या पानी है यहाँ, पानी का अभी तक कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ 200-200 फीट बोरिंग होता है लेकिन पानी निकलता नहीं है, तो उसके लिए कोई देखता नहीं है कोई। तो यहाँ का समस्या पानी है और देख रहे हैं सड़क बना नहीं है। यानी कि यहाँ विकास होगा तो क्या चंद्र प्रकाश चौधरी आप यहाँ से निकल सकते हैं क्या तारावली से? देखिए जो विकास करेगा हम उसी को हम वोट देंगे, जो विकास करेगा उन्हीं को जी। लेकिन मेरे नज़र में अभी हम जयराम महतो को ही देंगे, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन हम पूरा सपोर्ट के साथ हम जयराम महतो को ही वोट देंगे और सबको बोलेंगे जयराम महतो को ही दे। और आप जयराम महतो को? हाँ, जयराम महतो बहुत बढ़िया नेता है और अभी दिखाई पड़ रहा है जो कि जनता के साथ हैं और जनता का विकास करने का वादा भी कर रहे हैं। और जितना पूर्व में जो नेता है वोट होने के बाद अपना मजे में सो जाते हैं, जैसे हम लोग का समस्या रोड का है, पुलिया का है, पानी का है, ये सारा समस्या पड़ा हुआ है और आज तक एकदम गहरी नींद में सोए श्री इलेक्शन के समय आते हैं और अपना प्रचार प्रसार करके आदमी को उल्टा सीधा पढ़ा के इलेक्शन में वोट लेके। सुन रहे हैं कि जयराम भी जेएमएम में जाएंगे, क्या वो सच है या झूठ? नहीं, ये हमको नहीं बोला जयराम में नहीं जाएंगे। जयराम बोले कि हम किसी पार्टी में जाएंगे ही नहीं, अन्यथा लड़ना छोड़ देंगे, लड़ेंगे तो खुद लड़ेंगे अपना ताकत पर, नहीं तो हम अदर में शामिल नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।